नमस्कार दोस्तों, इस लॉकडाउन के टाइम में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं इसीलिए पेट खराब हो रहा है, पेट की समस्याएं हो रही हैं, एसिडिटी बन रही है, पेट में गैस बन रही है, जलन हो रही है, डकारें आ रही है, पेट फूल रहा है, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। तो क्या करना है आपको और कौन सी मेडिसिन लेना है और कैसे मैनेज करना है इसको, आइए समझते हैं वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, उसके बाद भी हम लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस नहीं कर पाए हैं और इस वजह से पेट भी गड़बड़ रहता है, पेट फूलने लग गया है, गैस बन रही है, लेटे लेटे हम खा रहे हैं, बैठते ठीक से बनता नहीं है क्योंकि पहले से ही हमने पेट को काफी बड़ा कर लिया है और अब हम परेशान हो रहे हैं गैस और एसिडिटी से। क्योंकि शुरुआती दिनों में तो हमें लगा कि कुछ दिन में हो जाएगा, तो हमने बहुत सारा तेल मसाला खा लिया और अब ये कंडीशन हो रही है कि अब कैसे मैनेज करें क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है। यदि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी जो है वो खाने को ठीक से पचा नहीं पाएगी। यदि खाना ठीक ढंग से नहीं पचेगा तो पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, डकारें आएंगी, पेट फूलेगा और समस्या जब बढ़ेगी तो आपको थोड़ी सी नींद की भी प्रॉब्लम आ सकती है या पेट फूला फूला सा तना तना सा लगता है या सीने में आपको लगता है कि भारीपन सा है, घबराहट और बेचैनी भी महसूस होती है कुछ लोगों को और जलन सीने में बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये GERD गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जैसा भी काम हो सकता है। मतलब आपके खाना जो खाया था वो आपके गले तक ऊपर आता है और चढ़ता है, ऐसा लगेगा जैसे खट्टा पानी गले तक आ गया है। या तो ऐसा हो सकता है कि पेट बहुत ज्यादा तना तना सा महसूस होता है और कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है जैसे सीने में बहुत ज्यादा जलन सी उठ रही है। इन सभी कंडीशंस को कैसे ठीक करें, चलिए समझते हैं। इन कंडीशन को ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपका रात का खाना जो खाना है वो उसमें बिल्कुल भी मसाले आप नहीं यूज करेंगे। रात के खाने से मसाले हटा दीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए और आपके खाने में का जो पाचन होगा वो पूरी तरह होगा। आंशिक पाचन जब होता है खाने का तो एसिडिटी बनती है और गैस बनती है। यदि खाने का पूरी तरह पाचन होगा तो नो गैस, नो एसिडिटी। पॉइंट नंबर टू, यदि आपके खाने में बहुत अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे तो ये आपके खाने के लिए बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल पोषक तत्व देंगे जिसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और नेचुरल यानी जो प्रकृति से मिले हुए मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे और आपका खाना ठीक रहेगा और आपका डाइजेशन बेस्ट हो जाएगा और किसी भी तरह की गैस और एसिडिटी आपको नहीं बनने वाली है। पॉइंट नंबर थ्री ये है कि आप यदि अच्छे से एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लें या वॉक जैसा करते हैं, वो आप बाहर तो जा नहीं पाएंगे तो आप घर पर वॉक कर लें कुछ देर, और या कदम ताल जो हम लोग करते थे बचपन में अपने स्कूलों में एक जगह खड़े होके वो कर लें, लेफ्ट राइट वो करते थे वो कर लें, या आप थोड़ी सी ऐसे योगासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या जुम्बा और या डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपका खाना पचे, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन गुड हो जाएगी और आपका खाना पचेगा, एसिडिटी और गैस नहीं बनेगी। इसके बावजूद भी चौथा पॉइंट, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका खाना ठीक से फिर भी नहीं पच रहा है और एसिडिटी, डकारें, पेट फूलने की समस्या बनी रहती है, पिछली सारी बातें आपने यूज कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिए आपकी नींद गड़बड़ है, आपको अपनी नींद सुधारनी है और उसके लिए आपको जल्दी सोना। यदि आप जल्दी सो जाएंगे आपकी नींद भरपूर हो जाएगी, 7 से 8 घंटे की नींद के बाद आप देखिएगा आपका खाना भी अच्छे से पच गया है और आपका लैट्रिन जो है वो चिपचिपा नहीं होगा, लैट्रिन सीट पर नहीं चिपकेगा और एक बार में क्लियर हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले कई सालों से जो आपकी समस्या थी वो अच्छी नींद, अच्छे खाने, हरी सब्जी सलाद के बाद प्रॉपरली ठीक हो जाएगी, आपको सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगली बात, इन सबके बावजूद भी, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी यदि आपको ये समस्या बनी रहती है तो कुछ दवाइयों का नाम नोट कीजिए। पहली दवा है होम्योपैथी में लाइकोपोडियम 200 या लाइकोपोडियम 30, ये दोनों पोटेंसी में से आपसे जिस पोटेंसी में दवाई मिल जाए मैं लाइकोपोडियम 30 ज्यादा प्रेफर करता हूं। ये दवाई का काम है, ये आपके
लीवर के जो इसका सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको करेक्ट करती है। और लीवर की वजह से डाइजेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, यानी बाइल जूस का सेक्रेशन गड़बड़ हुआ हो, तो ये उसको करेक्ट कर देती है। 2 drops morning, 2 drops evening इसका डोज आप ले लीजिए और फिर आपको देखिए आपको बेटर लगेगा। आपका जो पेट फूला फूला सा रहता था और खट्टी डकारे आती थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाइल जूस का सेक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेट को में से खाना डाइजेस्ट करने के लिए। जब आपका खाना छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में एक पाइप होता है जो आपके पित्त की नली से आता है और वो डायरेक्ट एक पाउच एक पाइप की नली जैसे उसमें एक पिचकारी जैसे कुछ एमएल की मात्रा में 1 से 2 ml की मात्रा में डाल दिया जाता है और वो हमारे खाने का पाचन करता है। तो लाइकोपोडियम आपके डाइजेशन को ठीक करता है बाय द विद द हेल्प ऑफ आप योर लीवर सिस्टम योर लीवर एंजाइमेटिक एक्शंस को बेटर करके। दूसरी जो दवा है वो है नक्सवामी का। ये उन लोगों के लिए है जो रात में देर रात तक जागते हैं, चाय कॉफी का सेवन करते रहते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या ड्रिंकिंग करते हैं, अपने आप को जगाने के लिए बहुत सारे चीजों का सेवन करते रहते हैं और फिर बहुत सारी प्लानिंग इनकी चलती रहती है और रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। ऐसे लोगों की शरीर के साथ ये बड़ी समस्या हो जाती है कि एसिडिटी बहुत ज्यादा लेवल पर बन जाती है। तो नक्सवामी का 200 मॉर्निंग 2 ड्रॉप्स इवनिंग 2 ड्रॉप्स आप इसको ले लीजिए। यदि आपको पिल्स में बनती है तो 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम। फिर आप देखिएगा इनके साथ में एक मोशन की समस्या होती है कि लैटिन जो है वो चिपचिपा होता है और एक बार में क्लियर नहीं होता तो दोबारा जाना पड़ता है, ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। तीसरी जो दवाई है बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में, वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज का उपयोग कैसे करना है, कब करना है, ये मैं बता रहा हूँ। कार्बोवेज टैबलेट्स का उपयोग 30 या 200 पोटेंसी जोड़ियों में से जो मिल जाए वो बेहतर है। 200 पोटेंसी इज द बेस्ट, 30 थोड़ा सा हैवी केसेस के लिए है। तो कब यूज करें, जब आपको लगता है कि गैस आपको ऐसा लग रहा है कि सीने में चढ़ रही है और आपको घबराहट से महसूस होने लगी गैस की वजह से, तब आपकी दवा है कार्बोवेज टैबलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, भूलिएगा मत। चौथी दवा है जब आप बहुत वीक महसूस करते हैं, सारे आपने तरीके अपना लिए और तीनों दवाई ऊपर की काम नहीं कर रही है, सारे तरीके उपयोग हो गए, तो चौथी दवा है चाइना ऑफिसनालिस एक ऐसी ड्रग है, ये वो वाला चाइना नहीं है वो मत समझिएगा। चाइना ऑफिसनालिस इधर सिंकोना बार्क जो होती है उससे बनी हुई मेडिसिन है, तो चाइना जो मलेरिया के लिए यूज होती है। तो चाइना ऑफिसनालिस का उपयोग आपको कब करना है, जब आपका पूरा का पूरा पेट ऐसे तना हुआ सा है, कठोर हो गया, हार्ड हो गया है, एकदम लकड़ी जैसा कड़ा हो गया है, मजबूत हो गया है और गैस फुली फुली हर चीज ऐसा लग रहा है जैसे गैस बन गई है, दैट इज द टाइम जब आपको चाइना ऑफिसनालिस यूज करना है। 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं या 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, 2 बूंद सुबह शाम, इतना ही डोज में आपको बेटर लगेगा। ऐसा है, ये चीजें करके आपको बहुत फायदा होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको इस वीडियो से कैसा महसूस हो रहा है और हमारे वीडियोस की क्वालिटी में कितना फर्क आया। वीडियो बन तो मोबाइल से रहे हैं, बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फर्क है, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की जा रही है और आपके लिए वो कंटेंट लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं मैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं आने वाले समय में। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।